नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योग्राफी लर्निंग हाउस में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कोस्ट लाइन्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कोस्ट लाइन्स कहते किसे हैं। समुद्र तट तथा समुद्री किनारे के मध्य स्थित सीमा को तट रेखा कोस्ट लाइन्स कहा जाता है। जॉनसन महोदय ने सन 1919 में जेनेटिक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया और कोस्ट लाइन्स को चार भागों में दो बेसिस के आधार पर बांटा। फर्स्ट, सागर तल के परिवर्तन के पहले किनारा उच्च भाग था या निम्न भाग था। सेकंड, सागरीय तल के परिवर्तन के कारण किनारे का सबमर्जेंस तथा अमर्जेंस। कोस्टलाइन ऑफ अमर्जेंस, इसका निर्माण दो तरह से होता है, या तो भूमि के उत्थान द्वारा या समुद्र तल नीचा हो जाए। इस प्रकार के तटों में बार, स्पिट, लगून, साल्ट बीच आदि आते हैं। सी क्लिफ, समुद्र के बिल्कुल खड़े तट को समुद्री भृगु सी क्लिफ कहते हैं। शुरू में तरंगे समुद्री जल पर तटीय चट्टानों में खांचा बनाती हैं। यह खांचा तब तक बढ़ता जाता है जब तक चट्टान का ऊपरी भाग ढहकर नीचे न गिर जाए। इस प्रकार सी क्लिफ का निर्माण होता है। लगून, जब रोधिका के दोनों छोर स्थल से जुड़ जाते हैं तो बीच में घिरे सागरीय जल की एक झील बन जाती है, जिसे लगून या हैफ कहते हैं। लगून पतले मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा रहता है। पीट, अवसादों से बना हुआ यह बांध होता है, जिसका एक छोर समुद्र से जुड़ा होता है और दूसरा छोर तट से जुड़ा होता है। बार, जब समुद्री तरंगे चट्टानी अवसादों को तटों के साथ साथ उसके समानांतर बिछा देती हैं तो एक प्रकार के बांध का निर्माण होता है, जिसे बार रोधिका कहते हैं। बीच, यह उच्चतम ज्वार तथा निम्नतम ज्वार के बीच बालू, बजरी तथा गुलाशम का अस्थायी निक्षेप है। कमजोर तरंगे निक्षेप करती हैं, जिससे बीच का निर्माण होता है, परंतु शक्तिशाली तरंगों के प्रभाव से बीच का अपरदन होने लगता है और बीच नष्ट हो जाता है। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, इस तट का निर्माण भूमि के नीचे बैठ जाने या समुद्र स्तर की वृद्धि हो जाने से होता है। फ्योर्ड कोस्ट, इन तटों का निर्माण हिमानी द्वारा अपरदित घाटियों के अंश तथा समुद्र में डूब जाने से होता है। इन तटों पर लंबी संकरी तथा गहरी घाटियों में समुद्र का पानी घुस जाता है। किनारे पर अंतिम हिमोड के निक्षेप दिखाई देते हैं। नॉर्वे, दक्षिण चिली, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा न्यूजीलैंड के तट फ्योर्ड तट के सबसे अच्छे उदाहरण। रिया कोस्ट, यह नदियों के अपरदन कार्य द्वारा बनाई हुई घाटियों के जलमग्न होने से बनता है। इन घाटियों का ढाल किनारे ढलवा होते हैं। डलमेशियन कोस्ट, इस तट का निर्माण तट के समानांतर फैली श्रेणियों के जलमग्न हो जाने से होता है। निचले भाग तो समुद्र में डूबे होते हैं, परंतु उच्च भाग समुद्र के किनारे के समानांतर लंबाकार द्वीपों के रूप में दिखाई देते हैं। युगोस्लाविया का तट इस प्रकार के तट का सबसे अच्छा उदाहरण है। न्यूट्रल कोस्टलाइन, इस तरह के सागरीय किनारे का निर्माण न तो समर्जेंस द्वारा न अमर्जेंस द्वारा होता है। इस किनारे का निर्माण निक्षेपण द्वारा होता है। जॉनसन ने छह किनारों का वर्णन किया है, इस तरह से है। कंपाउंड कोस्टलाइन, जहां पर अमर्जेंस और समर्जेंस दोनों के प्रमाण मिलते हैं, उसे कंपाउंड कोस्टलाइन कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर समर्जेंस तथा अमर्जेंस के चिन्ह पाए जाते हैं। जैसे जॉनसन महोदय ने कोस्ट लाइन्स का क्लासिफिकेशन किया और इस क्लासिफिकेशन की आलोचना भी हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।